मुझे रोज ऐसा लगता है कि अच्छी चर्चा सुनने के बाद कुछ कहना मतलब सही बात है कि चर्चा सुनने के बाद किसी पकड़ में आ जाए, पाठ सुनने की जरूरत नहीं, बैठ के अंदर वो भोग पाए। बहुत प्रांजल भाषा में इतना बढ़िया प्रवचन अपन ने सुना है नव तत्व वाली चर्चा। मुझे पंडित साहब की एक बात याद आई, इसलिए वो शेयर कर रहा हूँ आनंद बढ़ाने के लिए और फिर जा रहे हैं। एकदम आपको दृष्टांत से पंडित साहब के दृष्टांतों से एकदम सरल हो जाए हुआ है। हम 1 करोड़ रुपया तोला मिठास लेने तैयार हैं, 1 करोड़ रुपया तोला, चक्कर नहीं लेंगे, ध्यान रखें, सफेदी नहीं चाहिए हमें, वजन नहीं चाहिए, वजन तो लेना पड़ेगा तोला, आकार नहीं चाहिए, सुगंध नहीं चाहिए, दे सकते हो? रेट समझ रहे हो, 40 रुपए किलो की शक्कर, हम 1 करोड़ रुपए तोला में क्या लेना चाह रहे हैं आपसे? मिठास कितनी लेंगे मालूम है राहुल? कितनी? जितनी तुम दे सकते हो, एक जहाज बराबर पानी का जहाज भरे, कितनी टन आ जाएगी शक्कर मिठास? देख के बोला था मैंने, 1 करोड़ रुपया तोला कितना फायदा होगा बोलो? 40 रुपए किलो की शक्कर के 99% गुण तुम रख लो, हमें तो एक मिठास चाहिए, दूध में क्या काम आती है मिठास? सवेरी तुम रख लो, हमें क्या करना, सुगंध तुम रख लो, हमें तो मिठास दे दो भाई। आप समझ में आया कुछ क्या कह रहे? ओहो, जैसे मिठास की कीमत नहीं है, कीमत तो शक्कर की है, शक्कर के बिना मिठास नहीं निकले मेरी, ऐसे केवल ज्ञान की कीमत नहीं है। वो जो अस्खलित ध्रुव जिसकी अभी चर्चा चल रही है, अस्खलित सर्व पर्याय प्रकाशमान, सही बताना, अभी मोक्ष की महिमा आ रही है, ध्रुव की महिमा आ रही है। एक दृष्टांत दिया तुम्हें, मिठास है मैंने केवल ज्ञान नहीं है तुम्हें, मिठास माने केवल ज्ञान, तो आप ला के दे दो, हमें आत्मा नहीं चाहिए केवल ज्ञान चाहिए, ला दो आत्मा, तुम रख लो ज्ञान दर्शन चार सुख सब तुम रख लो, केवल ज्ञान क्या चाहिए, बस एक पर्याय दे दो, लाओ अनंत सुख दे दो, लाओ नौ तत्वों में छिपोगे कैसा भगवान है, कितनी वैल्यू है, इससे पता लगे वैल्यू कितनी होती है, बराबर है। अब दूसरी बात कहता हूं, मैं 100 करोड़ रुपया तोला सोना खरीदने तैयार हूं, सोने का रेट क्या बता रहा हूँ, 100 करोड़ रुपया तोला, लेकिन पर्याय नहीं चाहिए हमें, पर्याय नहीं चाहिए, पर्याय तुम रख लो, अब हम समझ गए, पर्याय हार के रूप में नहीं चाहिए, अंगूठी के रूप में नहीं चाहिए, बिस्किट के रूप में नहीं चाहिए, बोलो हार तुम रख लेना, हमें तो सोना दे दो, हार तुम रख लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, केवल सोना हमें दे रहे, पर्याय नहीं चाहिए, बिस्किट के रूप में नहीं चाहिए, अंगूठी कुंडल नहीं चाहिए, बोलो भाई समझ में आया, कितनी सुंदर गाथा चल रही, मजेदार,
दे सकते हो? बाबूजी ऐसे कहते थे, आश्रम बंद नष्ट होता है, धूम नष्ट नहीं होता। मतलब सरल भाषा में एक हथौड़ा मारो, हार मिटेगा सोना नहीं मिटेगा। और फिर एक कंगन बनाए, सुनो कंगन बने होंगे, सोना नहीं बना। समझ में आए क्या कहा? कंगन बनाए सोना नहीं बना, हार मिटाए सोना नहीं मिटा। सोचो तो कितनी बढ़िया चर्चा चल रही है कि हमारा अनादिकाल का आश्रम बंद मिटेगा लेकिन मैं नहीं मिटूंगा, और संवर मिजरा मोक्ष होगा लेकिन मैं नहीं बनूंगा। क्या ध्रुव भगवान विराजमान है, क्या मस्त चर्चा है, बहुत मजा आया, खूब जोरदार। मैंने अपना आनंद आपसे शेयर किया। अब आगे चलते हैं, सारी चर्चा ऊपर की लाइनों में आ गई थी कि द्रव स्वभाव कितना सुंदर है, पर्याय स्वभाव कितना सुंदर है। सूर्य में जैसे अंधकार नहीं है, ऐसे ज्ञायक में दुख नहीं है, पूरी चर्चा पहले हो गई। शाश्वत परमात्मा हो सब आई बात, ऐसा शुद्धात्मा ही तरण है, ये चर्चा बस पहले पड़ चुकी। अब अंतिम दो क्षण दे रही, मेरा नीचे आया हुआ न होगा कोई सहाय, झूठी आस सचो। अरे अब एक लाइन पे रुकने में पहले दूसरी लाइन पे आता हूं। हुआ न होगा कोई सहाय, हुआ न होगा कोई सहाय। आपको लगता है जिस दिन पत्नी के साथ नहीं दे, बच्चे साथ नहीं दे, सभी के साथ नहीं दे, उस दिन आपको मुंह से निकलता है सही बात है भैया, संसार में कोई साथ नहीं देता, सब स्वार्थ के सगे। पंडित साहब कहते हैं तो आपका द्वेष है, अज्ञान है, मिथ्यात्व है। ये तो आप आज परेशान हो गए इसलिए कह रहे हो, हम तो ये कह रहे हैं हुआ ना होगा। तुम्हें तो आज अभी तो पत्नी अनुकूल रहती तो तुम जट कहते नहीं नहीं झूठी बात है, लेकिन हुआ ना होगा कोई सहाय, पत्नी ने मेरी इतनी सहायता करी, पति ने इतनी सहायता करी, बच्चों ने करी, पड़ोसियों ने करी, समाज ने करी। फिर से पढ़ो, बोलू कुछ, हुआ ना होगा, तीन काल आ गए, हुआ न होगा कोई सहाय। अब जितनी बता दी वो तो बताई थे, सुनो अरंत से तो भगवान की सहायता नहीं करी। ये तो चलो सगे संबंधी रिश्तेदार स्वार्थ के थे, स्वार्थी थे, क्या कहते हो, क्या कहते, हाँ वे तो सब थे, अरंत से भगवान की साथ नहीं देंगे। क्यों तुम्हें कोई तकलीफ हो जाए, दसमत प्रकार के साथ नहीं देंगे, बहुत बेकार जमाना है, मोक्ष बहुत खराब है। पॉइंट पकड़ में पहली लाइन का, लेकिन नहीं रुको दूसरी लाइन पढ़ो। आप एक बार फिर से पढ़ो, हुआ न होगा कोई सहाय, झूठी आस सजो। अब अगली लाइन, नहीं जरूरत भी तुमको। ये है मामूली लाइन, कोई सहायता कर नहीं पाया, ये करेगा नहीं, यदि इतना सा पढ़ोगे तो द्वेष खड़ा होगा। देख लिया हमने सबको, हम अच्छे अच्छे विद्वानों से मिल चुके, हम सबसे मन फट गया। अब पंडित जी कमा कमा के मर गए, बच्चों ने साथ नहीं दिया, ये तो द्वेष है, अनंतानुबंधी द्वेष है ना। बिल्कुल तुम्हारा सहयोग करते नहीं है या कर नहीं सकते, कोई आपको सुखी करता नहीं है, आगे बोलो कि कोई तुम्हें सुखी। हम तो वही बोल, एक कदम और करें, कोई तुम्हें दुखी करता नहीं है कि दुखी कर नहीं सकता। तो दुखी का इसे फिर दुखी तो है, ये तो कन्फर्म है। भैया क्या बोल रहे हैं, तो दुखी क्यों है भाई, जब कोई दुखी नहीं करता और कोई सुखी नहीं करता तो फिर दुखी क्यों है। झूठी आस सजो, तुम झूठी आशा से
क्यों राहुल? संगति से तो दुष्ट भी मित्र इष्ट हो जाता है, जाता कि नहीं हो जाता है? संगति से तो आगे बोलो दुष्ट भी इष्ट हो जाता है। एक किलो शक्कर और एक किलो नमक दोनों को मिक्स करके 1 करोड़ बरस तक रखो संगति के लिए, बोलो। हाँ भाई, अब वो शक्कर खत्म हो गई, क्या करें? बोलो दूध मीठा करने के लिए क्या करें? शक्कर तो खत्म हो गई। अरे साहब 1 करोड़ साल से संग संग रहिए, हम लोग क्या होगा कि भाई वो 1 करोड़ साल में भी उसने उसको सहयोग नहीं किया, कुछ बदला नहीं है और ये बदल नहीं सकता, वो कर नहीं सकता। ऐसे तो बहुत मन की बात आ रही, तुम झूठी आशा करके बैठ गए कि हम नमक डाल देंगे, झूठी आशा तुम्हारी। सुनो बहुत सुंदर लाइन, फिर से पढ़ो। नहीं जरूरत भी तुमको, तुम्हें जरूरत ही तो नहीं थी, इसलिए वो झूठी आशा है। युगल जी बाबू जी ऐसे बोलते थे, 13 गिलास भी लवा लब भरा है और अरविंद भगवान का गिलास भी लवा लब भरा है, दूध से रस से कोई से, जो तुम्हारा गिलास ही लवा लब भरा हुआ है, मेरा भी भरा हुआ, मैं पी रहा हूँ, मजे ले लेके पी रहा हूँ, और तुम कह रहे कोई हमारे दूध ही नहीं डाल रहा, हमारे गिलास को दूध ही नहीं डाल रहा, हमारे कैसी किस्मत खराब है, इतने सारे लोग सब अपना अपना दूध के रहे, नहीं थोड़ा सा दूध अपने डाल दे तो तुम्हारे लवा लब गिलास में कौन डालेगा? बोलो कौन डाले? मुझे ध्रुवन जी की प्रवचन याद है, ध्रुवन जी ने बाबू जी बोले यदि एक बार अरहंत भगवान सिद्ध भगवान तैयार भी हो जाएंगे हम 13 को डाल दें, ज्ञान डाल दें, आप डाल दें, लेकिन तेरा लवा लव है ना, अब बताओ कौन डालेगा? खाली हो तो चलो हम डाल दे रहे, पहले देख के बोलो, देख के बोलो, खाली हो तो डाल दे। ईमानदारी से तुम अपनी परमात्मा को देखते नहीं हो, इसलिए परेशान। कोई सुखी कर दो, कोई भगवान बना दो, कोई सम्यक दर्शन दिला दो, कोई ज्ञान दिला दो, कोई चार दिला दो, कोई संसार से छुड़ा लो, अनंत काल हो गया, रो रो मत, तू एक बार भगवान देख, तू लवा लव है, मदद कौन करे? बोलो कौन मदद करे? जी मेरा सोना है, दृष्टांत है सोना है, भैया कोई मदद करो, ये सोना बना दो, ये सोना है, ये सोना बना दो जल्दी प्लीज बेटे, जल्दी आओ, तुम तो हमारी बहुत पुरानी हो उज्जैन की, एक बड़नगर की, जल्दी करो, दे बोलो भाई जल्दी करो, मदद करो, प्लीज जल्दी आओ, तुम ही नहीं करोगे, राहुल को लेके जाओ, दो ही जने मिलकर कर दो जल्दी, देखो हिल भी नहीं रहे कोई, ऐसे भाई सबसे लवाला परमात्मा है, अनंत गुणों का पूर। विमल दादा श्री जी लेते रहे नियम सारी कलर पूर, अब तुम देखो ना कमी हो तो फिर बताओ, क्यों तुम्हारे सोने में क्या दिक्कत है? क्या करें बताओ, क्या करें? पॉइंट पकड़ो, कोई सहायता नहीं करता, कोई सुखी नहीं करता, नहीं नहीं तुझे सुखी करने की, मुझे एक नियम साजी का शब्द याद आ रहा है, बहुत जोरदार शब्द है, असहाय, शब्द क्या लिखा है उसने, एक बार बोलो, असहाय समझते हो? तो पहले गलत अर्थ बताता हूँ फिर सही अर्थ बताऊंगा, असहाय कैसा लगता है? बेचारा असहाय, एक काम करो भाई असहाय सहायता फंड बनाओ, बेचारे असहाय लोग देखो इनकी सहायता के लिए बोलो, ये गलत अर्थ है इसका, प्रत्येक आत्मा असहाय है, जब मैंने पढ़ा तो मुझे वही अर्थ हुआ जो गलत वाला था पहले, और जब पढ़ा ना मालूम क्या लिखा है, बोलो क्या लिखा होगा, असहाय माने जिसे सहायता की जरूरत नहीं, उल्टा नहीं सीधा, असहाय मतलब जिसे सहायता की, इस माइक को इस माइक की सहायता की जरूरत है, ये माइक है ये भैया हम देखो तुमसे छोटे हैं और तुम बड़े हो, आशीर्वाद बनाए रखिए, नहीं क्या करे बोलो क्या करे, तुम्हारे पास 2 अंगूठी पहने हो, पहने कोई 2 अंगूठी पहने, हाथ में 2 अंगूठी दिखाओ जरा, हाथ में 1 अंगूठी दूसरे अंगूठी को मदद करती है क्या, एक गेहूं का दाना दूसरे गेहूं के दाने को मदद करता है क्या,
एक शक्कर का दाना, दूसरे शक्कर के दाने को संत, ऐसा शाश्वत परमात्मा है, सिद्ध भगवान की ओर भी झांकने की जरूरत नहीं। पहली लाइन में आपको कैसा लग रहा था? यदि मैं चाहूंगा ना तो इसे ऐसे न पढ़ा के अपन सब शोक सभा में बैठ जाओ, शोक सभा अभी बैठ जाना, आप लोग चार छह लोग बाहर जा रहे, यहाँ की तो आप बात भूल ही जाओगे, क्या बताएं ऐसी बहु आई है और ऐसा बेटा है, अलग हो गए अपन, किस आशा से बच्चे पैदा किए, कैसे बड़े किए थे, पाल पाल जी को का कैसे होंगे, हमने लाखों रुपए दिए, करोड़ों रुपए दिया, हम दे के चले जाएंगे, छाती पे ले जाएंगे, लेकिन बच्चा वो सच ही किए थे महावीर, सच ही बात है, वो नार ढोल इस अर्थ में नहीं है, कोई साथ नहीं देता, अरे तुझे साथ की कितनी सुंदर पंक्ति बोलो, तू असहाय है, असहाय, असहाय माने आ माने नहीं, सहाय माने हेल्प या माने योग्य, एक उपसर्ग लगाए, एक प्रत्यय लगाए, समझते उपसर्ग प्रत्यय, पहले लगाते हैं वो उपसर्ग कहलाता है, आ जैसे जीभ में आ लगा दिया तुझे आ उपसर्ग कहलाता है उपसर्ग, और पीछे लगा दिया या वो हो गया योग्य, जैसे पाठ्यक्रम पढ़ने योग्य क्रम, पाठ्य पुस्तक पढ़ने योग्य पुस्तक, पढ़े खाद्य व्यवहार माने खाने योग्य, ऐसे असहाय माने सहाय योग्य नहीं है, कौन सब कौन कौन जो वो अब नहीं है कौन इसको लग रहा है राहुल से मैं हूं, जी कोई है जी कहा है गजब ए भैया एक बात कहता हूँ थोड़ा समझे जरा सुनना, ये श्रेणी एक काम की बात कह रहा हूँ सुनना, सब बेटे सभी लोग ध्यान सुनना, ये जो धूमधाम से पूजा होती है ना सबको बैठने का मन करता है, अब कल बिल्कुल सन्नाटा होगा जब परसों चले जाएंगे, तो परसों रुकना राहुल एक घंटा पूजन करना तो आपको मन नहीं लगेगा, अपन चाहते एक माहौल हो तो मजा आता है, माँ बोलो तो मजा आता है, पॉइंट समझ गया ना, ऐसे ही एक माहौल चाहता है यार, तुम ब्रह्मचर्य रहे तो फिर हम भी आ रहे, हम नहीं यार तो हम अकेले कहाँ जाएंगे, अब हम अकेले हम अकेले, अब संग में हो तो हेल्प हो जाएगी, क्या 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 हो जाएगा, सुनो एक पिता और एक पुत्र और दोनों मुनिराज, एक मामा और एक भांजा दोनों मुनिराज है ना कथाओं में, और दोनों मुनिराज और भांजे को सियालनी खा रही थी, देख लेना मैं भूल जाता हूँ ब्यागरी या सियालनी जो किसी किसको खाया देख लेने का, और खाया उस समय बगल वाले मुनिराज क्या कर रहे थे, क्या बेटे तुम्हारे बेटा है वो समझ लो 18 साल का हो गया और तुम और दो ही दिन खड़े रहे और 18 साल का बेटा तुम दो ही और उसे कोई शेर खाए तो तुम क्या करोगे हैं, बोलो बोलो ये कह रहे हैं असहाय, उसे तुम्हारे बचाने की जरूरत नहीं है, उस समय वो केवल ज्ञान लेने के लिए स्वसहाय, स्वसहाय शब्द ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, कंप्लीट है, इंडिपेंडेंट है, भरपूर है, अनंत शक्ति लिए बैठा है, एक दिगंबर मुनिराज दूसरे मुनिराज का शेर नहीं भगाते, सर्प नहीं भगाती, क्या इट इज द लास्ट मोमेंट केवल ज्ञान लेने के लिए, आई कांट रजिस्टर, क्या कह रहे क्या कह रहे हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, उन्हें अपनी परीक्षा पास करने दो, केवल ज्ञान लेने दो, हम अच्छी तरह तत्व निर्णय करके आए हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को हैरान नहीं करता, ये शेर इन मुनिराज को नहीं कर रहा, और जिन्होंने सहायता करने की सोची भी ना कौन नकुल, कौन नकुल और सहदेव, फैल ठीक है कंसोलेशन प्राइज जाओ सर्वार्थ सिद्धि जाओ कंसोलेशन प्राइज, अवार्ड नहीं मिला मोक्ष का ठीक है सर्वार्थ सिद्धि जाओ,
फिर से तैयारी करो, फिर से परीक्षा में बैठना। पॉइंट पकड़ रहे हैं? असहाय, ओहो, एक दिगंबर मुनिराज की श्रद्धा कितनी अडिग है, निष्कंप है, सुमेरु बल अचल है, एक दूसरे को कुछ नहीं करता। ये शेर इन्हें केवल ज्ञान लेने में बाधक नहीं है, और मैं शेर को भगाकर इसे साधक नहीं हूं। कितनी उच्च कोटि की बात है। अब मैंने उस असहाय का यहां घटा दिया। जब तक आपको सहायता, हेल्प, असेसमेंट, असिस्ट करना, तुम करना चाहते हो या कोई तुम्हें करे, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि तुम्हें तत्पर निर्णय सच्चा नहीं, तुम्हें तत्पर निर्णय नहीं, तुम दूसरे की मदद क्यों करना चाह रहे हो, और वो तुम्हारी मदद क्यों लेना चाह रहे हो, तुम उसकी मदद नहीं, नहीं अपन साथ जिएंगे साथ मरेंगे। मैं आज पढ़ रहा था तो उसने लिखा कि रामचंद्र जी जब सीता ने अगली परीक्षा पास कर ली तो दीक्षा लेके जाने लगी, दीक्षा लेके जाने लगी, तो रामचंद्र जी बोले अपन संग संग दीक्षा ले, संग संग अभी थोड़ी देर रहो, संग संग दीक्षा ले, बस मुझे ज्यादा नहीं कहना है, मुझे तैयार कहना है। सीता जी बोली हमें तुम्हारी हेल्प, मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने कुछ नहीं कहा। सीता जी बोली जब संग क्यों जाएंगे, संसार में संग रहेंगे, मोक्ष में भी संग रहेंगे, क्यों क्यों जोड़ा से दीक्षा लोगे, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है और तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत नहीं है, तुम भी असहाय और मैं भी असहाय। पॉइंट बहुत जोरदार है। यदि ये बात समझ में आ जाए तो आज के बाद राग द्वेष नहीं होगा। आप एक काम करो, सबके सब लाइन में खड़े हो जाओ, होना मत परेशान। एक एक से पूछता हूँ कैसे परेशान हो, हमें मदद नहीं कर रहे, हमारे बिजनेस में जी बहुत बाधा डाल रहे, जी बड़े भैया हमारी दुकान बंटवा दी इन्होंने और सामने वाला दुकानदार बाधा डाल, तो 24 घंटे जितनी तुम्हारे पास कंप्लेंट है वो सहायता लेने की अपेक्षा की है। पंडित जी हम तो बहुत मदद करना चाहते हैं बच्चों को, लेकिन उनकी किस्मत ही खराब है, हमने तो बहुओं के भले में कही थी, उनकी किस्मत ही खराब है, मैंने तो उनका भला करने के नाम पर भी चार गति में रखोगे रोगे, हम तो उनका भला चाह रहे थे। ए कुछ कहना है मुझे बीच में, कितने मम्मी पापा चिल्ला चिल्ला के कहते हम कौन अपने लाजे कर रहे, हम तो रह दे तुम अपने लाजे करो, हमारे लाजे मत करो। क्यों कि तुम किसी का भला करके भी कसार मत करो, भला करने के नाम पर भी, और पहले समझ लो कि तुम भला। पंडित जी ऐसे तो फिर व्यवहार आभास हो जाएगा, ओके व्यवहार उड़ जाएगा, निश्चयाभास हो जाएगा, ऐसे तो कोई किसी मदद ही नहीं करेगा। ए क्या प्रश्न पूछा तुमने, ऐसे कोई किसी मदद नहीं करेगा और निश्चयाभास हो जाएगा, तो अभी तक कोई ने मदद करी थी किसी ने, बोलो बोलो, अभी तक किसी ने किसी की मदद की थी, बोलो। क्या पढ़ा आपने, हुआ न होगा हुआ ना, आज तक तो आपने मदद करी थी क्यों, ठीक है पंडित जी हम निर्णय कर लिया आज के हम कोई की मदद नहीं करेंगे, फिर मैं कहूंगा ढोल ढोल मैंने क्यों कहते हैं, तू यहां से कह रहा है जैसे पहले तू किसी की मदद करता था, नहीं पंडित जी पहले तो हमने बहुत लोगों की मदद की है, लोगों की बहुत घर बसाए हैं, जी कहता घर बसाए, मैं कहता हूँ तू घर उजाड़ रहा है लोग व्यवहार में, और परमार्थ ने देखा तू अपना घर उजाड़ रहा है, नको सहदेव ने किसका घर उजाड़ा, स्वर्ग चली गई तो उजड़ा ना मोक्ष नहीं जा पाए, तो शांति सुनी, बहुत सुंदर सुंदर सिद्धांत छिपे हुए हैं, नहीं जरूरत भी तुमको अब अपनी ओर रखो। मैं फिर वही बात कहूंगा एक बात, ये दो लाइनों में जितना मर्म छिपा, जितनी गाथाएं छिपी हैं, जितनी टीकाएं छिपी हैं, अब हम पूरा वर्णन नहीं कर पाएंगे, और सच कहते हैं आप कोई प्रॉब्लम लाओ इसी में सॉल्व हो जाएगी। क्यों पैसा क्यों कमा के रखा आपने पंडित जी, हाँ बोलो भाई, मरते समय पैसे ही काम आज, तो क्या काम आता है मरते समय पैसा, लकड़ी लाने में क्या काम आता है, भरते समय क्या काम आता पैसा,
पंडित जी बीमारी में यही मदद करेगा। क्या मदद करेगा? ध्यान से सुनना, जी बीमारी बढ़ाने में मदद करेगा कि बीमारी मिटाने में? व्यवहार तो कह रहे हो, ध्यान रखना। नहीं समझे, सरल दृष्टांत देते हम शाम की समाज, बहुत सरल दृष्टांत। हमने एक आदमी से कहा तुम्हारे पास इतना पैसा है 1 करोड़ रुपए साल का ब्याज आ रहा है, कितना पैसा है तुम्हारा 1 करोड़ रुपए साल का ब्याज, और दो प्राणियों गिनती के दो दो चार, दो बिल्ली छोटे 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 और दो बिल्ली पिल्ला कह रहे हैं, याद में उनकी वजह से आगे डबल जी की याद आ गई ना, वो छोटे छोटे बच्चों को पिल्ला कहते हैं, पिल्ला माने वो तमिल या मद्रास है कहाँ उधर पिल्लई बोलते हैं, पिल्लई माने कुमार, छोटों को पिल्ला पिल्लई बोलते हैं, कोई बात नहीं खोदा की माता है वो। तो मैं कहना चाह रहा हूँ 1 करोड़ तुम काट नहीं कमाए पंडित जी, आजकल एक कैंसर हो जाए 1 लाख करोड़ में जरा लग जाते हैं, 1 लाख करोड़ जरा में समझ में आई कुछ? ओहो अब हम समझ गए तुम काय के लिए कमा रहे हो, कैंसर होगा तो यही काम आएगा। अब पंडित जी तुम्हारा क्या होगा ये सोच, क्या होगा भैया हमका तो पैसा नहीं 1 करोड़ तो क्या होगा? सुन तू पैसा कैंसर के लक्ष्य से कमा रहा है तो कैंसर में काम आएगा, और हमारे पास 1 करोड़ नहीं है तो हमें कैंसर नहीं होगा। संक्रमण समझ गए? संक्रमण तुम किस लक्ष्य से कमा रहे थे? जी सहायता देगा, अरे कोई सहाय नहीं है, सेडा लगी पंक्ति याद आ रही बेटी, सेडा लगी पंक्ति, धन समाज गज बाज राज तो काम में आवे, क्या लिखा था जोर से बोलो, हमने सुना नहीं था, 4 लोगों को याद है छेड़ा था, धन समाज गज बाज राज कछु, हुआ न होगा शरीर तो साथ लेगा पंडित जी, सिक्स पैक बनाई मैंने खूब कर करके मैंने शरीर बनाया है, शरीर तो साथ देगा, क्या कल्पना कर रहे जी, झूठी आज का जो कह झूठी आज। और बोलो पंडित जी अब आप तो धर्म कर सकते हो, हट्टे कट्टे हो, ताकत है, बीमार नहीं हो, स्वस्थ हो, अब हम कैसे धर्म करें, हमारा शरीर तो दुबला पतला है, बीमारियां बहुत है, बाल सब उड़ गए हैं, पेट पचता नहीं, भोजन बड़े परेशान है, अब आप तो उपवास कर लेते हम कैसे करें, आप तो ऊपर घूम रहे हम कैसे जाएं? अब बोलो ये क्या उत्तर है इसका? उत्तर बोला नहीं जरूरत भी तुमको, सुना बिना उपवास के मोक्ष जाएगा और बिना ऊपर चढ़े मोक्ष जाएगा, और जो दुबला पतला होगा ना बिल्कुल तो जी ऐसे बैठा हुआ ना ऐसे तो भी मोक्ष जाएगा, चिंता नहीं कर, मोक्ष में केवल ज्ञान हो जाए पहले तो, मोक्ष में तो ताकत, केवल ज्ञान होने पर तो ताकत हो ही जाती है, यहाँ से होगा ना यहाँ से तो भी केवल ज्ञान जाए। अब बताना सब लोग ये देखते हम धर्म कैसे करें, हमारा शरीर कमजोर है, अरे पैसा वाले लोग हैं 1 लाख रुपए 2000 ऑन कर देती, 1 लाख का कर्ज दे देती, ये का फला करे, ये तो धर्म करके लेकर चले गए पैसा, हम तो गरीब आदमी गाँव खेड़ा से आए, बताओ हमको तो पैसे ही नहीं है धर्म कैसे करें, हमने किसी 2000 ही चढ़ा पाए, भैया इसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही, कह रहे अब समझ आए थोड़ा बहुत अर्थ, नहीं जरूरत भी तुमको अब अपनी ओर लखो, क्या लखो कोई पुरानी बातें है, अत्यंत भाव और क्या है द्रव दृष्टि से देखो तुम तो सदा काल सुख रूप, वो सब जो चर्चा चली ना नव तत्व वाली वो ही देखो, आप वो ही देखो, तुम देखो देखो अपने आप को आनंदमयी परमात्मा, इधर देख रहे क्या तुम्हें लगता रहा हो तुम परमात्मा हो? पंडित जी वो आप ही हो गए, हम तो गरीब आदमी क्या ग्रस्त ग्रस्त माने गरीब, क्या करें पंडित जी हम घर गृहस्थी में फंसे, करोड़ों का टर्नओवर, करोड़ों के बिजनेस, हम जान
अंदर जान फंसी जीएसटी में, जीएसटी प्रॉब्लम तो नहीं बड़े हैरान परेशान। चलो आगे देखो, तो फिर क्या देंगे, चलो क्या देंगे आप ही बता दो क्या देंगे। नहीं जरूरत भी तुमको अपनी और लखो, क्या लगे पूर्ण स्वयं में प्राप्त स्वयं में, पूर्ण स्वयं में। फिर एक लाइन पढ़ना विज्ञानानंद स्वामी होगी पहली लाइन, मैं हूँ अपने में, क्या बोला स्वयं पूर्ण काय में अपने में भी पर में, मैं हूँ होना है कि हूँ सम्यक दर्शन का पूर्ण होता है, ये पूर्ण अनुभव करता है इसी सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन होने का पूर्ण अनुभव करते हो, ये पूर्ण अनुभव करते हैं तो सम्यक दर्शन होता है। अब अभी क्या बताओ, पूर्ण अनुभव करने की क्या बात है। एक काम करो, विश्व में एक भी पदार्थ इनकम्प्लीट बता, आत्मा तो दिखती नहीं है तो भरोसा नहीं आता। विश्व में एक भी परमाणु ऐसा बताओ जो अपने आप में परिपूर्ण ना हो, जो अपना कार्य करने में अनादि अनंत सक्षम ना हो। लाओ एक एक द्रव लाओ, लाओ एक कोई भी परमाणु लाओ, एक कोई चीज लाओ आप, परमाणु अपना काम करने में समर्थ हो तुम सुनो। सारा विश्व में पांच द्रव है ना, उनमें तो ज्ञान तक नहीं है, वे परिपूर्ण है लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं। क्या बोला मैंने प्रथम, क्या बोला वे परिपूर्ण है लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं। और तुम परिपूर्ण भी हो तो तुम कम हो कि ज्यादा हो, अब अनुभव करो। कितना सा बीज होता है ना, सबसे मैंने सुना है भगवान जाने, अपन देखा तो है, बट वृक्ष का बीज सबसे छोटा होता है, ऐसे कहते बोलो राई जैसा बड़ा होता है। सुधीर भाई बट वृक्ष का बीज देखा बिल्कुल राई बराबर जरा सा, कितना छोटा। और बट वृक्ष देखा था मैंने, देखा तुम्हारे यहाँ है वो, देखा तुमने एक किलोमीटर के डायमेंशन में रहने वाला, एक किलोमीटर अभी बढ़ रहा है और सवा किलोमीटर हो गया क्या गजब है, मालूम कितने में से निकला वो, इतना सा बीज है जरा सा। अपन हाथ लेके मजाक उड़ा रहे पंडित जी में, बट वृक्ष स्वामी जी ऐसे समझा दे, एक बट वृक्ष का बीज, बट बीज बट का बीज हाथ कर रखे, इसमें हमें अनंत बट वृक्ष दिखाई दे रहे। क्या क्या बोले, क्या बोला, एक बीज में कितने अनंत बट वृक्ष। सुना ऐसे भगवान आत्मा में अनंत ज्ञान दिखाई दे रहा है, दिखाई दस साल दे रही तुमको। अब हम फिर गए, ये बच्चा पूरा है कि अधूरा है, बोलो भाई जी छोटा सा बच्चा है ये पूरा है कि अधूरा है, पूछा तो है नहीं, पूछा तो है ही नहीं, पूरा कैसे हो गया बोला, पूछे दाढ़ी नहीं आई पूरा कैसे हो गया। पंडित जी इस बच्चे में दाढ़ी मूछ समय से काल लगती और तब समय की योग्यता, जब योग्यता आएगी तो अवश्य आएगी और अपने आप आएंगे, पॉइंट 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 अवश्य अपने आप आएंगे कि लाना पड़ेंगे। राहुल तुमने दाढ़ी मूछ कैसे लाएगी, एक्सरसाइज करी नहीं, कोई दवाई खाई हो, ऑटोमेटिक इसका नाम है परिपूर्णता। जैसे इस बच्चे में दाढ़ी मूछ ऑटोमेटिक आएगी, समय से आएगी, इतना समय की योग्यता से आएगी, ऐसे रत्नत्रय और केवल ज्ञान आना तो प्रत्येक द्रव्य मन में जीव में जीव की बात चले अवश्य आएगी, इसका नाम है पूर्णता। पर्यायहीन सहसे मुझ में कमी ना आई कटे हो गया जी। देखो पूर्ण स्वयं में, पूर्ण का अर्थ क्या लेना है, अपना कार्य करने में सक्षम, द्रव पने पूरा, क्षेत्र पने पूरा, काल पने पूरा, भाव पने पूरा,
परिपूर्ण प्रभु होने जैसे हूँ व्यवहार से पूरा, हानि न होवे वृद्धि न होवे दिखे सदा पूरा, द्रव्य से पूरा क्षेत्र से पूरा काल भाव से पूरा। क्या हो ये पूरा? देखो भाई फिर कह रहे हाँ आत्म ऐसा सिखाना ही पानी वो तो शब्दों से बताना पड़ेगा। तो हमें पूर्णता के बारे में क्या चाहिए जी बताओ, तो हम सिद्ध करेंगे इसी में से अपने आप आए। दिगंबर मुनि क्यों बनना पड़ता है? बनना पड़ता है भाषा बोलने में आ रही। दिगंबर मुनि को मोक्ष क्यों होता है? क्योंकि उन्हें दिखाई देता है कि कपड़े की सहायता से मोक्ष नहीं होता तो कपड़ा हटाओ, और जिस में कोई हमारा पैर ही नहीं तो पैर हट गया, कोई सहायक नहीं है राग हट गया, वितरागी हो गए, उनका केवल ज्ञान ऑटोमेटिक हो गया जिसमें पूरे थे और पूरा देख रहे थे और केवल ज्ञान हो गया, पूरा देख रहे थे वो कुछ नहीं कर रहे थे। बीत लगता हो जैसे बाहर की चीज प्रकट हुई थी वो तो ऑटोमेटिक हो गई। क्यों हो गई ऑटोमेटिक? क्यों? हम तो पूरे हैं, हम किसी की जरूरत ही नहीं है। चलू आगे। पूर्ण स्वयं में ये दस अनमोल चला गया, त्रप्त स्वयं में ये चार अनमोल चला गया, आप ही आप प्रभु। क्या बोला? आप ही आप मतलब आपो आप, आपो आप मैने ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक मैने स्वतः सिद्ध स्वयं सिद्ध ऑटोमोशनल सिस्टम होता है ना, ऑटोमोशनल ऑटोमोशनल आत्मा में भी ऑटोमोशनल सिस्टम है। तुम कुछ करोगे तो भगवान नहीं बन पाओगे, कुछ नहीं करोगे भगवान बन जाओ। ठीक एक भगवान बनना कितना सरल है, घर व्यस्ती बसाना तो अनंत पुरुषार्थ का काम है, और भगवान बनने में बिल्कुल पुरुषार्थ नहीं, उल्टा नहीं है। मान लीजिए तुम मगज पच्ची लगा दे ना, मगज पच्ची वाला पुरुषार्थ, क्या बोला क्या बोला? आप घर बसा के देखो तो पता लग जाएगी यार, और मोक्ष बसा के देखो कभी करना ही नहीं, क्यों? परिपूर्ण है वो, आप या प्रभु बन जाता है ऑटोमेटिक। वो क्यों बीज है ना वो बटर रोस्ट का वो गिर गया, अब क्या करना है? ऑटोमेटिक हो जाएगा। घर व्यस्ती बनाने में बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है, भयंकर तकलीफ है, तो आपको पता ही है इसलिए नहीं बता रहा हूं। सहज मुक्त हो सहज मुक्त हो स्वयं देते हो जानन हार रहो, ए जानन हार हो होने होए, अरण सिद्ध बन गए तो पूर्ण जानन हार निर्मल परिणमन ही हो गया, तो जानन हार रहो। सहज मुक्त हो स्वयं सिद्ध हो, परता सिद्ध नहीं है स्वतः सिद्ध है और सहज मुक्त है, बहुत अर्थ हो सकते हैं इसके जोरदार। जानन हार रहो अनंकार, जानन हार रहो कौन सा कौन का? सकल द्रव के पूर्ण अनंत पर जाए अनंत, नहीं नहीं ये तो तुम्हें पढ़ाने की शैली में आ रहा है। क्यों किसको जानते हैं किसके जानन हार? ये तो व्यवहार की भाषा है, सबको जानते हैं, परमार्थ की भाषा बोलो बढ़िया। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसली, अपने में मग्न रहते ये है, सुनो अब अनंत चाहते तो अपने मग्न रहना, क्योंकि तुम्हें ही प्रभु हो, तुम्हें ही स्वयं सिद्ध हो, तुम्हें ही सहज मुक्त हो। सर कह रहे मोक्ष जाने से सरल काम कोई है नहीं, किसी निर्णय पर कर लो कि सदगुरु किसी सहायता की जरूरत नहीं है, चाहिए ही नहीं। इंद्रादि की भी याद नहीं आती क्या? आदिनाथ भगवान को इंद्र की याद आनी चाहिए ना, सौदर्भ इंद्र की, जब से मुनि बने दीक्षा लिए बताओ आज की व्यवस्था नहीं है, कांगे व्यवस्थापक, हम घर गृहस्थी में रहते थे तो रोज व्यवस्था करता था, दीक्षा लेने के बाद भूल गए सब, कुछ भी कर लो नहीं, क्यों किसी की सहायता की? बहुत जोरदार चर्चा है, परिपूर्ण तत्व अनुभव करो। समझ आए भैया? पांच दिन की गोष्ठी कहो, शिविर कहो, मंथन शिविर कहो, इसका लाभ उठाया हो आपकी।
भावना जागनी लगन तत्व निर्णय करके इसका सन्मुख होने का ध्यान और काम सरल है नव तत्व सुनने से बहुत मजा आया। आप लोग भी बहुत गंभीरता से समझे थे, निर्णय करें अनुभव करें। हाँ भाई बोलो, कहाँ मिलोगे? विद्यालय में मिलोगे कि कहीं मिलोगे? अब जितने संकल्प करना है हम तो तुम चले जाओ कल, इसलिए भी कह दिया। बोलो भाई कहाँ का संकल्प लेके जा रहे हैं? बोलो राहुल बोलो कहाँ जाएगी तुम्हारी गाड़ी? अभी तो चले जाना कलकत्ता। इसी से अपनी जांच करना, अनंत संसार से बचना हो इसी से कोई जांच। बहुत निश्चय वाला सुमेल वाला प्रवचन बहुत जोरदार मजा आया। मुनि भगवंतों के आरत भगवान के तब तक चरण नहीं छोड़ता जब तक अपने स्वरूप में नहीं रख जाता। असुख की तो बातें ही नहीं है, सचमुच तत्व चर्चा में भी कितना भाव चलता है, बहुत छोड़ता सब विचार करना भैया। ओम नमः शिवाय। एक मैं सूचना ही दे रहा हूँ बस, हमारे पास 8-10 सीढ़ियां हैं पूज्य गुरुदेव श्री के निकटवर्ती और दागनी वाले जिनको कहते हैं जीत चंदी सेठिया, उन्होंने गुरुदेव श्री के समय में बहुत सुंदर सुंदर आध्यात्मिक पद लिखे थे, तत्व ज्ञान से भरे हुए उनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास 5-7 सीढ़ियां हैं। बहुत गंभीर गंभीर है वो, आप सुनना चाहें तो मेरे पास 5-7 सीढ़ियां हैं, अभी भी ले सकते हैं, मेरे कमरे से भी ले सकते हैं, और बाकी जो सूचना दी थी कल भी किसी को देना तो दे दूँ। उनकी एक घटना सुना रहा हूँ बस जीवन की। उस समय वो वहां नहीं थे सोनगढ़ में, और कुछ गुरुदेव श्री की आंखों का मोती दिन का ऑपरेशन हुआ था, तो करीब गुरुदेव को 1.5 महीने तक प्रवचन नहीं हुआ उसका, 45 दिन तक प्रवचन नहीं हुआ। तो जिस दिन उनकी आंख की पट्टी खुली और आंख का ऑपरेशन सफल हुआ, ये समाचार उन तक पहुंचा कि गुरुदेव जी का आंख का ऑपरेशन सफल हो गया, अच्छा देखने लगा, तो इतनी प्रसन्नता हुई थी उस जमाने में। उन्होंने 25,000 रुपये, उस जमाने में 25,000, आज से कम से कम 50-60 साल पहले 25,000 रुपए की राशि केवल इस खुशहाली में दान खाते भिजवाए थे सोनगढ़ में, कि हमें बड़ा आनंद है कि पूज्य गुरुदेव श्री की आंखें जिनवाणी पढ़ सकेंगे, भगवान का दर्शन कर सकेंगे, और अपने गुरु की आंखें ठीक होने की खुशहाली में इतनी इतनी प्रसन्नता व्यक्त की 25,000 उस जमाने में। उन्होंने आध्यात्मिक पद लिखे, पढ़ने में तो आपको बड़ी वो लगेगी, कार्य करने लेकिन सुनेंगे तो आपको बड़ा रस आएगा कि वो थोड़ी सी सीढ़ियां हैं।